नवाबगंज चौराहे के पास आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का चुनावी कार्यालय का हवन पूजन के साथ शुभारंभ। फरुखाबाद के नगर पंचायत नवाबगंज के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी बन्ने खान ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया व उनके समर्थकों ने भी इस दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर सम्मानित किया गया एवं प्रत्याशी ने बताया है क्या कुछ कहना है प्रत्याशी का, आप भी सुनिए। आजाद समाज पार्टी 3 प्रत्याशी उतारे हैं अपने पूरे जनपद में, पूरे जनपद में क्या स्थिति लग रही तीनों प्रत्याशियों की? लग रही है तीनों सीटें हमारी दमदारी से जीत रही है, लड़ रही है, जीत रही है, जीत रही है हमारी तीन सीटें दमदारी से जीत रही है। और चंद्रशेखर भैया का जो आशीर्वाद मिला है लेके आए हैं वो हमारे चंद्रशेखर भैया की गोदी में सीट डाल दी है। क्या इन दिनों चंद्रशेखर आएंगे यहाँ? चंद्रशेखर भैया का जो पूरी उम्मीद हमारी बातचीत हो रही है कि हमारा दौरा चंद्रशेखर आजाद का बहुत जल्द लगने वाला है और हमारी जो जनता सभी है जो आपके बीच बहुत जल्दी चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात हो सकती है। बसपा बीच में इंटरफेयर करेगी? बसपा तो पुराना वोटर है। बसपा तो एक भीम आर्मी को कमजोर समझ रही है, ऐसा नहीं है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी बसपा को कमजोर कर देंगे हम लोग आए हैं। 22,700 कुछ है, वही पड़ेगा करीब 16-17 के आसपास। कितने मुस्लिम प्रत्याशी उतरे? अकेले हैं। मुस्लिम वोट कितना? 3600 है जी। कितना पड़ता है? अब उसमें ये पड़ेगा करीब करीब 28-30 के आसपास। क्या उम्मीद है कि पूरा मुस्लिम समाज आपको वोट देगा या अन्य पार्टी में भी जाएगा, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम वोट पार्टी बन जाएगी? पूरा हमें मिलेगा सारा जी, हिसाब से आप जीत रहे जी।